नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इस कैनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कंटिन्यूसली इंक्रीजेज विद टाइम तो स्नैरियो ये एक आपका कोई पार्टिकल है उसकी कैनेटिक एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ ये आपको स्नैरियो दे रखा है ना चार स्टेटमेंट अपने कहते हैं पहला कहता है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरल टू द वेलॉसिटीज एट ऑल इंस्टेंस ना ये आपका कोई जरूरी कंडीशन नहीं है ये स्नैरियो है कि यह आपका एम मास का ब्लॉक है और आपका इस डायरेक्शन में वेलॉसिटी है और आपका फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इफ़ दैट इज़ द केस तो आपकी फोर्स uh, का जो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा वो कंटिन्यूस आपका वर्क डन कर रहा है इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है करेंट एनर्जी आपकी कंटिन्यूस चेंज हो रही है ये स्नैरियो वन ऑफ द पॉसिबल स्नैरियो है सो so, इस स्नैरियो के बेसिस पर हम कह है सकते हैं कि आपका पहला स्टेटमेंट सही नहीं है दूसरा an ये तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री ना ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आ, इसको ऐसे समझना कि जो फोर्स है ये वाला एंगल इनके बीच में थीटा एंगल हो गया ये फोर्स आपका वेलोसिटी बढ़ाने का काम करेगा आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ थी फोर्स जो है उसी डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स का एक कंपोनेंट वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करेगा यही फोर्स अगर आपका इस डायरेक्शन में अप्लाई हो जाए कि आपका ब्लॉक है पार्टील uh, इधर जा रहा है और इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो जाए तो नाउ दिस विल काइंड ऑफ बिकम अ रिटार्डिंग फोर्स उसका एक कंपोनेंट जो है वेलोसिटी के अपोजिट आ जाएगा वो आपकी वेलोसिटी कम करने की कोशिश करेगा वेलोसिटी एंड हेंस आपकी काइनेटिक एनर्जी uh, कम होएगी सो सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा हाइट अब द ग्राउंड लेवल मस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज नाउ अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट है अगर हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस केस के ये जो एग्जाम्पल है उस केस में पोटेंशियल एनर्जी ना तो इंक्रीज होएगी ना डिक्रीज़ होएगी इट कैन बी सेपरेट सिनेरियो हो सकता है कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रही हो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही हो पर ज़रूरी नहीं है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी तब ही आपका करेंट एनर्जी में इंक्रीज़ आएगा ऐसा कुछ नहीं है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है वो आपकी करेंट एनर्जी की वैल्यू बढ़ा रहा है सो so, आपका थर्ड स्टेटमेंट इस केस में आ, सही नहीं है चौथा कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ना ये बात आपकी सही हो जाएगी हम यहाँ पे कहते हैं कि कान्टिक एनर्जी है उसको हमने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर नाउ हाफ एम वी स्क्वायर हमने यहाँ लिखा है हाफ एम वी स्क्वायर उसी को हम यहां पर uh, m से मल्टीप्लाई कर दें और m से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा आपका एम वी का स्क्वायर यानी कि आप कानिक एनर्जी के है उसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय टू एम या फिर आप पी को लिख सकते हैं कई चैप्टर्स में काम आता है रिलेशन इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया ध्यान रखना इसको तो पी को आप लिख सकते हैं टू एम के तो अगर आपकी कान्टी एनर्जी कंटिन्यूसली इंप्रूव हो इंक्रीज हो रही है तो मोमेंटम भी आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज होएगा अंडर रूट के फैक्टर से बट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होएगा दैट मीन्स चौथा स्टेटमेंट जो है ये आपका ट्रू हो जाएगा ना आपने करेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपके बी और डी तो हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन फोर जो है बी एंड डी that would be the right answer for this particular problem.